कौन है आप क्या है आप मुझे बस इतना पता था कि अच्छा खुद को जानना है तो अपनी हॉबीज जान लो अपने शौक जान लो अपने बारे में सोच लो एक चीज वो है जो नहीं थी अब है और आगे नहीं रहेगी और वो है हम दुख से हम दुखी ना हों उसके लिए क्या करें जब तक मनुष्य अपने आप को समझना नहीं शुरू करेगा कि अच्छाई भी उसमें है बुराई भी उसमें तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि ये सारी चीजों चीजें हैं ये मेरी वजह से और मैं इनको बदल सकता हूं आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं शांति संभव है रेडी टू रोल हम धर्म की बात नहीं करते हैं। हम कर्म की बात नहीं करते हैं हम विचारने की बात करते हैं अपने आप को जानो और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं जिस दिन आपने श्वास लिया आप सक्सेसफुल मैं मनुष्य और ये मैंने पहली चीज समझी है। अगर आप शांत हैं तो फिर वो शांति बाहर भी आएगी आपका प्यार आपके अंदर है आपकी खुशी आपके अंदर है यह संदेश मेरे से बड़ा है इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे पर आपके अंदर हिम्मत है उसको आगे लाइए बात है क्या आपने अपना संतुलन खो दिया या नहीं खोया समय युवाओं का ही नहीं है सबका है यह शांति की दवाई अपने आप को जानो शांति खुद आपके जीवन में आएगी नमस्कार आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रेम रावत जी स्टूडियो में मौजूद हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आपके वीडियोस देख रही थी तो वो अलग अलग वीडियो अलग अलग संदेश दे रहे हैं आप खुद को खुद को जानने समझने की बात करते हैं उसके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं ये अप्रोच क्या है सर क्योंकि बड़ा ईजी होता है दूसरों से बात कर लेना दूसरों के बारे में जान लेना खुद के बारे में हम सोचते ही नहीं आपने एक बात कही पहले वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आपने कहा कि हम सोचते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं अपने आप को जानने में इससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है क्योंकि जब हम पहले ही समझ लेते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं तो, तो कोई आके जब हमसे बोलता है कि भाई अपने आप को जानो सबसे पहले ये सॉकेटिज ने कहा अपने आप को जानो मैं तो अब कह रहा हूं दोहरा रहा हूं उस बात को परंतु ये बात ओरिजिनल मेरी नहीं है सॉक्रेटिस कहा अपने आप को जानो तो इसका मतलब क्या हुआ क्या उस समय लोग नहीं समझते थे कि वो अपने आप को जानते हैं जैसा हम समझते हैं मेरा ये नाम है ये मेरा कद है ये मेरा चेहरा है ये मेरे, मेरा परिवार है ये मेरा घर है ये मेरी कार है यह मेरी मोटरसाइकिल है यह मेरी बाईसाइकिल है परंतु क्या यही चीजें आप हैं क्योंकि जब आप पैदा हुए तो ये चीजें नहीं थी ये आपकी नहीं थी आपका चेहरा भी वैसा नहीं था जैसा अब है और आपका चेहरा बदल रहा है तो आप कौन हैं? एक बाहर ये मट्टी लगी हुई है मट्टी से ये आया है और मट्टी में ये जाएगा तो फिर आप कौन है जब कोई चले जाता है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है आंखें जिससे वो देखता था वो यहीं की यहीं है इजिप्ट में फेरोज उनका ये कल्चर था कि जब फेरो मरे तो सारी चीजें जो उसको इस्तेमाल करनी है अगले जन्म में तो उसमें क्या कहते हैं उसके नौकर चाकर, जानवर चैरियट्स सब कुछ उसके साथ बांधा जाता था, था कि इस इसको वो इस्तेमाल कर पाएगा अगले जन्म में सच्चाई यह है कि वो सारी चीजें अभी भी वहीं रखी हुई हैं <laughs> वो कहीं गई नहीं और अगला जन्म हुआ या नहीं हुआ उसका शरीर भी है यहां है तो हम कौन हैं एक तरफ ये नाशवान शरीर है और एक तरफ वो चीज है जिसका कभी नाश नहीं होगा ये दोनों मिली हुई हैं। और जब तक ये हैं तब तक हम हैं और जब ये खत्म होगा खेल तो एक एक तरफ जाएगा एक एक तरफ जाएगा बिल्कुल। तो इन दोनों में से हम कौन हैं? को, कोई कोई लोग कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम तो वो दिव्य चीज है पर हम दिव्य चीज नहीं है क्योंकि संसार की हालत देख लीजिए आप क्या हालत है और जो शरीर है क्योंकि जो मैं कहता हूं ये कहता हूं कि एक चीज ऐसी है जो थी है और रहेगी एक है वो जो इन्फिनिट है सब जगह है था है और रहेगा और एक चीज वो है जो नहीं थी अब है और आगे नहीं रहेगी और वो है हम जो नहीं थे हैं और नहीं रहेंगे और क्योंकि हम जीवित हैं हमारा सारा फोकस कहां है हमारा सारा ध्यान कहां है हमारा ध्यान है एक ऐसी चीज में जो न थी न है और न रहेगी वह है यह दुनिया यह माया चक्कर इसमें सिर्फ एक ही बात का है क्योंकि हम मानते हैं कि यह है और कई लोग हैं जो ये कहते हैं है, है दिखाई देती है पर यह है नहीं इसीलिए इसको माया कहा तो ऐसी क्या चीज है कि वो जो नहीं था और है और नहीं रहेगा उसका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए वो जो नहीं है या वो जो है और रहेगा और था hmm. यह डिसीजन मैं नहीं ले सकता और मैं यह भी नहीं कह सकता कि किस पे होना चाहिए यह डिसीजन आपको लेना है मैं आपके सामने पानी रख सकता हूँ परंतु प्यास नहीं लगा सकता प्यास आपको उस प्यास का एहसास करना पड़ेगा और पानी की क्या वैल्यू है उस प्यास के रिलेशनशिप में वो वैल्यू होगी hmm. मैं आपके सामने खाना रख सकता हूँ परंतु आपको भूख नहीं लगा सकता भूख आपको लगेगी और जब आप उसका एहसास करेंगे तब भोजन की क्या वैल्यू है आप उसको देख पाएंगे ये, ये मेरी एक स्टाइल है बात रखने की क्योंकि मैं जानता हूं और कुछ नहीं हो सकता मैं अगर यह कहूं कि नहीं मैं आपको प्यास लगा दूंगा तो मैं प्यास नहीं लगा सकता तो सबसे बड़ी बात अपने आप को जानने की जहां तक यह है कि आप कौन है मतलब कौन है एक एक घंटे की रिलेशनशिप से नहीं आप जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपकी नौकरी क्या है हुँ. तो कोई आपसे पूछा कि जी आप कौन हैं तो जी हम चपरासी हैं या हम ऑफिसर हैं या हम क्लर्क हैं या हम मैनेजर हैं परंतु ये तो उसी तब आ, उसी समय तक सीमित है जब आप ऑफिस में आए और ऑफिस से चले गए फिर वो आप मैनेजर नहीं है अब वो घर में तो मैनेजर है नहीं नहीं। तो आप कौन है अगर आप जो कुछ भी आप करते हैं उस उस उसके रिलेशनशिप से देखेंगे अपने आप को तो आप तो बहुत सारी चीजें तो असली में क्या है आप पति हैं पत्नी हैं बेटा हैं, बेटी हैं चाचा हैं चाची हैं नागरिक हैं या मिनिस्टर हैं क्या कौन है आप क्या हैं आप और एक चीज है जो सब पे लागू है जो सब हैं चाहे वो कोई भी हो वो सब हैं वो मनुष्य उस मनुष्य को समझने की बात मतलब सवाल बहुत से हैं लेकिन जवाब हमें खुद से खुद को तलाशना होगा और अपने बारे में जानने के लिए ऐसी बातें इससे पहले मैंने सुनी नहीं थी मुझे बस इतना पता था कि अच्छा खुद को जानना है तो अपनी हॉबीज़ जान लो अपने शौक जान लो अपने बारे में सोच लो लेकिन आपने बहुत नई बातें बताई हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स कई बार इंसान दूसरों पर रिलाई करता है और कई बार तो ईश्वर है भगवान है आस्था विश्वास सब रखिए लेकिन अंधविश्वास में बहुत बार लोग पड़ जाया करते हैं कई बार तो आप सड़क से गुजर रहे होते हैं कई पैम्पलेट्स लगे होते हैं कि पल भर में इन परेशानियों से छुटकारा लोग अंधविश्वास में पड़कर अपना नुकसान कर बैठते हैं वो लोग कैसे समझें कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास खुद है देखिए हम सब में एक बहुत बुरी आदत है जब भी कुछ बुरा होता है तो वो हमारी वजह से नहीं होता है किसी और की वजह से होता है हमको यह समझना है और अगर हम अपने आप को समझें तो हमको पता लगेगा कि हम में अच्छाई भी है और हम में बुराई भी है जो अच्छा होता है वो भी हमारी वजह से होता है जो बुरा होता है वो भी हमारी वजह से होता है अगर हम कुछ अपने आप को सुधारें तो उस बुराई से बच सकते हैं और अच्छाई में चल सकते हैं अंधविश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीजें हम में है अच्छाई भी हम में है बुराई भी हम में है और अभी ये जो कोरोना वायरस आया है इसके लिए लोग कोरोना वायरस को क्या कहते हैं सारे लॉन्चर पर लगा रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है आप जानिए कि वो वायरस जीती जागती चीज नहीं है हुँ. वो जो वायरस है वो जीती जागती चीज नहीं है हुँ. तो वो ये नहीं कहती है कि अच्छा उसकी तरफ चलो या उसकी तरफ चलो उसके कर्मों का फल है ना अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें मास्क पहने हाथ धोएं छः फुट की दूरी रखें तो वो वायरस हमारे तक नहीं आएगी और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वायरस आएगी आएगी तो फिर हम दोष लगाएंगे किसको किसी और का दोष है हमारा दोष नहीं है जब तक मनुष्य अपने आप को समझना नहीं शुरू करेगा कि अच्छाई भी उसमें है बुराई भी उसमें है तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि ये सारी चीजों चीजें हैं ये मेरी वजह से हैं ये मेरी वजह से हो रही हैं और मैं इनको बदल सकता हूं क्योंकि कई लोग हैं जो देखते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं हिम्मत रखिए हिम्मत से काम लीजिए ये किसने दी हिम्मत आपको उसी प्रकृति ने दी जिसने आपको शरीर दिया तो काय के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है निराश हो जाते हैं लोग बच्चा निराश होता है कभी जब आप छोटे थे आपने चलना सीखा कितनी बार आप गिरे जब आप गिरे तो आपने मान लिया कि हम हमसे नहीं होगा ना फिर उठे फिर चले एक डॉक्टर मेरे को समझा रहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी एनर्जी उस लेता है तो वो कह रहा था कि एक रॉकेट की तरह जो चंद्रमा तक जाए ऐसा रॉकेट इतना पावरफुल रॉकेट इतनी एनर्जी उस छोटे से बच्चे को छोटा सा बच्चा उसको एक्सपेंड करनी पड़ती है कि वो इस संसार में प्रवेश करे चंद मिनटों में जो उसके फेफड़े पानी से भरे हुए हैं उसको हवा से भरना है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है यह समझिए कि वो मछली के रूप में अपनी मां के पेट में था और चंद ही मिनटों में उसको ये हवा लेनी है अगर मनुष्य ये कर सकता है उस अवस्था में तो कोई उसके लिए सीमा नहीं है अगर उसने सीमा बनाई हुई है तो खुद खुद की बनाई हुई है और खुद ही वो अपनी जेल में अटका हुआ है लोगों से दुख बर्दाश्त नहीं होता और शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसके जीवन में छोटा ही सही या बड़ा सही दुख ना हो इस दुख से हम दुखी ना हो उसके लिए क्या करें तो जानने की बात है एक बार एक काफिला कहीं जा रहा था तो एक लड़का प्रधान के पास आया चीफ के पास आया और उसने कहा चीफ मेरे मेरे को एक शंका है मेरा एक प्रश्न है चीफ ने कहा पूछो तो बच्चे ने कहा कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग कभी तो अच्छे होते हैं और वही लोग जो अच्छे होते हैं वो बुरे बन जाते हैं तो ऐसा क्यों है मतलब वही लोग जो अच्छे थे वो बुरे क्यों बन जाते हैं तो चीफ ने कहा कि ये समझो कि हर एक मनुष्य के अंदर दो भेड़िया हैं एक अच्छा भेड़िया है और एक खराब भेड़िया है और दोनों आपस में लड़ते हैं जब अच्छा भेड़िया जीतता है तो आदमी अच्छा होता है जब बुरा भेड़िया जीतता है तो आदमी बुरा बन जाता है तो बच्चे ने सोचा पर कहता है, चीफ ये बताओ कि अंत में कौन जीतता है ठीक है ये तो जो इनकी लड़ाई चल रही है वो तो ठीक है परंतु अंत में कौन जीतता है अच्छे वाला या बुरे वाला चीफ ने कहा जिसको तुम खिलाते हो वो ताकतवर बनता है और वही जीतेगा प्रश्न यह है कि हम किसको खिला रहे हैं जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन के अंदर किस भेड़िया को खिला रहे हैं अगर उसको खिला रहे हैं जो अच्छा है तो वो जीतेगा और वो जो जो मनुष्य के अंदर क्या क्या आता है मैं कर नहीं पाऊंगा ये हो नहीं पाएगा अरे राम अब क्या होगा अब क्या इन्हीं चीजों में आदमी ऐसा लग जाता है धक 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 तो वो बुरे भेड़ी को खिला रहा है तो उसके जीवन में क्या होगा यह स्पष्ट है दुख में वो पड़ेगा सुख जब कभी भी मनुष्य अपने आप को दुख में पाए उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुख उससे दूर नहीं है वहीं का वहीं सुख भी है दुख भी है और उसको उसको ये डिसीजन लेना है इसके लिए उसको हिम्मत चाहिए कि उस दुख के समय में भी वो जो उसके अंदर अच्छाई है उसको चूज करें मैं काफी प्रिजेंस में भी जाता हूं जेलों में भी जाता हूं जिनमें लोग हैं तो सबसे पहले हमारा एक प्रोग्राम है पीस एजुकेशन प्रोग्राम तो वो बहुत मदद करता है प्रिजनर्स की uh, एक जगह तो काफ़ी सारे जेल भी बंद हो गए क्योंकि वापस uh, कैदी वापस नहीं आ रहे थे जब उनको छोड़ दिया जाता था जब छूटते थे तो फिर अपने घर में जा कर के ठीक ढंग से रहते थे वो चीज़ें नहीं करते थे जिससे कि वापस आना पड़े हुँ. तो uh, उनको क्या होता है सबसे पहले जब वो जेल में अपने आप को पाते हैं तो वो सबको ब्लेम करते हैं सब पे दोष लगाते हैं ये मेरे परिवार की दोष लगाते हैं गवर्नमेंट पे दोष लगाते हैं जज पे दोष लगाते हैं पुलिस पे दोष लगाते हैं वकीलों पे दोष लगाते हैं सब पे दोष लगाते हैं पर अब पे अपने आप पे नहीं लगाते धीरे धीरे करके जब वो ये समझने लगते हैं कि यहां से निकलना उनके ऊपर निर्भर है और अगर वो चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं वो जज को नहीं बदल सकते वो पुलिस को नहीं बदल सकते गवर्नमेंट को नहीं बदल सकते सोसाइटी को नहीं बदल सकते पर अपने आप को वो बदल सकते हैं ये उनकी गुंजाइश है और जब वो अपने आप को बदलना शुरू करते हैं उस दिन उनके लिए सारी दुनिया अलग हो जाती उनके लिए सारी दुनिया पलट जाती है अब वो फिर नफरत की नजरों से दुनिया को नहीं देखते कई बार मैं उनसे पूछता हूं यह जेल है इसमें तुम खुश नहीं हो क्या चीज है यहां इस जेल में जिससे कि जो तुमको दुखी बना रही है देवाल ये सरिया ये ईंट? ये प्लास्टर ये फर्श ये तो सब जगह मिलेगा जब आप अपने घर में जाएंगे तो वो घर में भी ये प्लास्टर है ये सरिया है ये फर्श है तो क्या चीज है क्या चीज है इस जेल में जिससे कि आप परेशान हैं वो क्या चीज है वो आप हैं। और जब आप बदलना शुरू होंगे तो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि इसी जेल में सिपाही भी आते हैं वो तो ये नहीं कहते कि हाँ कब निकलूंगा यहां से तो दुख की बात यही है कि दुख का जो असली कारण है वो भी हम हैं अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह बात मैं कह तो जरूर रहा हूं पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दुखी नहीं होता हूं <laughs> नहीं तो, की तो मैं होता हूं परंतु उस दुख के समय में यह याद रखना कि जो सच्चाई है वो भी मेरे अंदर है hmm. वो याद रखना अगर मैं वो याद रख सका तो मेरे लिए सब कुछ है और अगर उसको मैं भूल गया तो दुख जो है मेरे को परेशान करेगा हम अपने देश में भी देख रहे हैं क्राइम कहां जा रहा है और ये कोई पेरेंट नहीं जाएगा कोई माँ बाप या कोई घर नहीं जाएगा कि इस घर का बच्चा बड़ा होकर अपराध करे या अपराधी बन जाए चूँकि हर शरीर में अच्छी आत्मा भी है बुरी आत्मा भी है किसको हम फीड करा रहे हैं किसको हम खिला रहे हैं और किसको किसको बड़ा कर रहे हैं तो कई बार पेरेंट्स को दोष दे दिया जाता है सपोज अगर एक घर से कोई अपराध की दुनिया में चला गया अच्छा इन्होंने ऐसा किया होगा पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखें परिवार किन किन बातों का ध्यान रखे कि परिवार में बड़े हो रहे बच्चे के अंदर अच्छा वाला भेड़िया बड़ा हो रहा हो देखिए अगर आप बच्चों को देखें तो जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है जब पहले तो लेटा रहता है फिर थोड़ा थोड़ा उठना शुरू करता है इधर उधर देखना शुरू करता है बोलना शुरू करता है पर कोई भाषा नहीं है कोई शब्द नहीं है आए, आए, बोलना शुरू करता है फिर धीरे धीरे चलना सीखता है फिर जब चलने लगता है तो फिर कुछ देखने भी लगता है फिर कुछ बोलने भी लगता है ये सारी चीजें होने लगती हैं परंतु तो एक चीज हो रही है उस समय और वो ये है कि वो जो बच्चा है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है ये एक बहुत अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है विशेष बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है मैं कौन हूं hmm. ये मेरी भाषा है वो चूज नहीं कर रहा है वो वही भाषा बोलेगा जो उसके आसपास बोली जा रही है ये उसका अब देखिए इन्फ्लुएंस कितना है उस बात का कि वो वो भाषा बोलेगा जो उसके सामने बोली जा रही है क्योंकि भाषा भी वो अपने मां बाप से जो और जो एरिया है उससे ही पकड़ेगा खाना खाने की सुगंध ये सारी चीजें उसके अंदर जा रही हैं और वो वो सारी चीजों को फॉर्मुलेट कर रहा है ये मेरा घर है अपनी आइडेंटिटी बना रहा है उस समय वो चीजें जो उसके सचमुच में फ्यूचर में काम आएंगी उसमें उनका होना बहुत जरूरी है कि अच्छाई भी तुम में है और बुराई भी तुम में है होता क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है तो बच्चे को छोड़ देते हैं अब बच्चा बेचारा क्या कहते हैं टेलीविजन देख रहा है टेलीविजन में क्या टेलीविजन वाले तो प्रोग्राम जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उनको पैसा मिल सके चैरिटी का काम तो है नहीं <laughs> <laughs> तो वो बना रहे हैं कार्टून बना रहे हैं उसमें उठपटांग चीजें हैं और क्या कहते हैं बच्चे देख रहे हैं और उससे आइडेंटिफाई वो करना शुरू करते हैं तो उसकी सच्चाई कहां गई जब वो बड़ा होगा तो वो हमेशा फील करेगा कि कोई चीज मिस कर रही है तो फाउंडेशन जो है बुनियाद जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए कई बेचारे क्या देखते हैं मां बाप लड़ रहे हैं यह उनके लिए अच्छा नहीं है बच्चों के लिए अच्छा नहीं है अगर लड़ना है तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं है ना मूवी देखने के लिए थिएटर्स हैं तो ऐसे ही लड़ने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए जहां माँ बाप जाके लड़ सके अगर उनको लड़ना ही है पर बच्चों के सामने नहीं और जो वो बुनियाद बनाना चाहता है वो बच्चा उसकी मदद की जाए माँ बाप उसकी मदद करें कि उसकी बुनियाद सॉलिड तरीके से रखी जाए hmm. ये बहुत जरूरी है इस पर राष्ट्र को भी ध्यान देना चाहिए इस पर स्कूल्स को भी ध्यान देना चाहिए hmm. क्योंकि वहां भी वो बहुत कुछ सीखता है जो करिकुलम है स्कूल का उससे ज्यादा वो अपने दोस्तों के साथ रह के सीखता है बिल्कुल। तो जो जैसे हम बड़े होते जाते हैं बहुत कुछ हम सीखते हैं जो एक्सीडेंटली सीखते हैं और ये जो एक्सीडेंटल सीखना है ये ज्यादा प्रभाव हमारे जिंदगी में लाता है बजाय वो जो हम पर्पजफुल सीखते हैं